आज का सीन क्या है? आज का सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर जयपुर से। ऑफ कोर्स हमारे सारे ग्रुप ट्रेन में है। और डेट की बात करें तो डेट है आज 5 दिसंबर 2018। और क्या है, कैसे है, ये मैं आपको बीच में बताते रहूँगा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बीकानेर। और जैसे बीकानेर में आप देख सकते हो ये जो प्लेटफॉर्म है, लिटरली यार इतना क्लीन है मैं क्या ही बताऊं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी लोग हैं जो इसके साफ सफाई के लिए बहुत काम कर रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेशन पे। और हाँ, बीकानेर में अगर आप आते हो, जैसे हम लोग तो घूम नहीं रहे हैं यहाँ पे, जस्ट रास्ते में, तो यहाँ की 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत फेमस है। जैसे बीकानेर का भुजिया हो गया, रसगुल्ला हो गया, यहाँ का क्या ही बोल रहा था यार, नाम में सब भूल गया उसका, कचौड़ी, जो कि आप एक भी नहीं खा पाओगे। साइज इतना ही होता है लेकिन उसके अंदर जो मसाला ऐसा बनाया है कि आप एक भी नहीं खा पाओगे। ओके, तो जो है जैसा है यही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जैसलमेर और डेट है आज 6 दिसंबर 2018। ओके, तो अभी ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट थी, तो यही है स्टेशन। रूम कुछ ऐसा है, आप देख लो, यहाँ पे एक ये बड़ा सा बेड है, इसमें 2 आदमी जनरली इसलिए सोता है, बट इफ यू मैनेज 3 आदमी सो सकते हैं। और यहाँ पे 2 डबल डेकर बेड्स है, तो ऑलमोस्ट 5। और ऊपर हम लोग जो रूम लिए हुए हैं वहाँ पे कोई कोई रूम में तो ऐसा है कि 7 आदमी आराम से सो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ये डबल डेकर बेड्स है 2 हैं, तो 2 2 4 और एक ये। ओके, और ये रहा हमारा वॉशरूम, तो ये भी ओके है, कितनी अच्छी भी नहीं है, ओके। तो यही है रूम। ओके, मार्केट में आपको शॉपिंग वगैरह करना यहाँ से करना, मार्केट में फॉरनर में बहुत एक्सपेंसिव रहेगा आपको, ठीक है, शॉपिंग वगैरह बाहर में करना यहाँ मॉल में कलर तो स्टोरी आज की ये है। आज फर्स्ट डे है हमारा जैसलमेर ट्रिप का, और डेट बोले तो आज है 6 दिसंबर 2018। सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग आए घूमने के लिए वो है ये जैसलमेर फोर्ट। तो इसका क्या है, कैसे है, क्या हिस्ट्री है, सब मैं बताऊंगा आपको एक एक करके। और ये ट्रिप में कितने कहाँ रुके, कितने पैसे खर्चे हुए, सबसे बेस्ट प्लेसेस कौन सा है, सबसे वर्स्ट प्लेसेस कौन सा है, मैं आपको सब बताऊंगा A to Z। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको लास्ट प्लेस के बारे में बताऊंगा, तो उसको जानने के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। वैसे हमारे ग्रुप में अराउंड 15 लोग आए हैं, तो मैं आपको सब बताता हूँ A to Z। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्लेन पे। तो जैसलमेर फोर्ट का जो मेन एंट्री वो होती है यहाँ से, तो चलते हैं अंदर और सीन देखते हैं क्या है कैसे है। सुना हूँ लाइक ये अराउंड 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, सुना हूँ, मतलब ऑफकोर्स मैंने थोड़ा नेट पे सर्च किया था तो उसके हिसाब से, तो अभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है। और अराउंड 3 घंटा लगता है घूमने के लिए, सुना हूं।
बट अपना एक्सपीरियंस मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस आफ्टर 3 आवर्स. ओके, ये हमारे इस किले का नाम है जैसलमेर फोर्ट, और इस किले का जो निर्माण कराया था वो थी महारावल जैसल, और मेरी उस पहाड़ी का नाम है जिसमें आप पैदल चढ़ के ऊपर आए, तो उसका नाम पड़ गया जैसलमेर. दूसरा इसको गोल्डन सिटी बोलते हैं क्योंकि यहाँ का तो पत्थर है पीले रंग का. और इस किले के अंदर ये इंडिया में पहला किला है जो 24 घंटे खुला रहता. उसका कारण ये था कि पहले राजा इस महल में रहते. जब राजा इस महल में रहते काम करते, एक तो थे ब्राह्मण और एक थे राजपूत. अभी इस किले के अंदर जो लोग रहते हैं वो ब्राह्मण और राजपूत लोग रहते हैं. और फिर राजा ने क्या किया, दूसरा महल एक नीचे बना दिया, तो वो लोग नीचे शिफ्ट हो गए. इसको अभी म्यूजियम बना. अगर आप इसको उनका एक दूसरा महल राजपूत, उसका टिकट 50 रुपये पहले आपको वो बाग की हवेली दिखाएंगे, 50 रुपये एंट्री लगेगा. उसके जब ऊपर टॉप पे जाएंगे वहाँ से बेस्ट फोटोग्राफी का पूरा मिलेगा. उसके बाद चलेंगे अपने जैन मंदिर, जैन मंदिर के बाद चलेंगे कैनेट पॉइंट, कैनेट पॉइंट से चलेंगे हम लक्ष्मीनाथ, और उसके बाद चलेंगे लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर वापस यहाँ. तो 1 घंटे में ही सारा मैंने बात की बात जरूर. और ये जो गार नीचे जो लिपि है, ये पुराने टाइम में क्या है कि मकान हमारे पत्थर के बनते थे, तो ये जो लकड़ी जो लगी है इसको क्या ठंडक रखती थी. हवेली का मतलब तो हवा, उसका फ्रंट और बैक हमेशा खुला रहेगा. और इसके अंदर जो अभी जो सामान रखा हुआ है ये सब क्या है, पुराने टाइम में जो यूज होता था वो सब रखा हुआ है. और ये जो आप इधर देख रहे हैं ये सब पुराने बर्तन, इसका एक फोन करते ना, ये अभी बंदर चलेगी ना, ये जो पत्थर के जो ग्लास है इसको आपूर का पत्थर बोलते हैं. इसके अंदर क्या, रात को पानी भर दो, सुबह किसी भी कहता आपको बीपी है, शुगर है, डायबिटीज, वो ठीक हो जाती है. ये क्या है, मेडिसिन में काम आता है आबूर का पत्थर. अभी जब जैन मंदिर चलेंगे ना वहाँ पर भी है आपको दिखाई देगा. आबूर का, आबूर एक गांव है, आबूर SUBUR. अच्छा, आबूर. पीले रंग की और व्हाइट जो टंकी दिख रही है छत के ऊपर, ये सब किले के अंदर का एरिया, ठीक है ना. और अभी अपन आप मेरे को वहाँ मिले थे, अपन ने वहाँ से स्टार्ट किया पहले अपन इस हवेली का, और इसके बाद अपन चलेंगे ये जैन मंदिर, ये जैन मंदिर. इसके बाद इधर से पीछे घूमते हुए वो राजा का महल, देखो आप उधर, वो आपको और क्लियर दिखाएंगे जब उधर चलेंगे. जब वहाँ 2 महल है, एक वहाँ पर एक थोड़ा सा आगे हुआ, और यहाँ से एक ही दिखाई देगा. है नहीं, वो बाहर रहते थे, अभी अभी बाहर रहते हैं, पहले अंदर रहते थे, रहते थे, अभी बाहर रहते, अभी बाहर रहते, अभी बता रहे. इसमें अलग अलग मार्जन है, गुलाब, चंदन, केसर, कस्तूरी, ओपियम, जैस्मिन, चुसंदल, अलग अलग प्राइस का बॉटल है 150, 300, 400 रुपीज. जैसा आप प्रेगनेंस करेंगे वैसा आपको. सब लोकल है ना, सब नेचुरल लोकल पर. और दाम मतलब फिक्स है या फिर कुछ है, कम बेस भी होता है? बड़ी बोतल लोगे तो कुछ कम होगा, इसमें कुछ नहीं होगा. 150 का 150, ये 200 ना, ये 300 है, 450. दो एक बॉटल लेंगे तो कुछ डिस्काउंट पड़ेगा. ये खुशबू इसकी लेमेंडर, वो लेमन ग्रास था. ये जगह का नाम कौन सा है? जैन टेम्पल है. जैन टेम्पल के पास आप बैठते हैं हरदम, यहीं पे बैठते हैं. तो बात कुछ ऐसी है, अभी हम लोग जैन ट्रस्ट का जो मंदिर है जैसलमेर में वहाँ पे, और मैं और राजीव अंदर नहीं गए हैं, बाकी हमारे ग्रुप के जितने लोग हैं वो अंदर गए हैं. और यहाँ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि सिर्फ कैमरा ले जाने पे 30 रुपीज़ लगेगा, और ले जा रहे हो विदाउट पैसे दिए हुए तो अगर पकड़ लेते हैं तो जुर्माना लग सकता है. ओके, तो वो लोग अंदर गए हैं, मैं इन लोग का सामान यहाँ पे देखभाल कर रहा हूँ. जो प्लेस में हम लोग हैं, इस प्लेस का नाम है कैनन पॉइंट. कैनन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए,
क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं मैं नाम भूल गया, जो भी बोलते हैं फोटो में दिखा दे रहा हूँ यही बोलते हैं ओके। और यहाँ से जो व्यू है अपना जैसलमेर का वो देख लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब पूरा येलो येलो टाइप का दिख रहा है, डायरेक्ट से पता चल रहा है कि गोल्डन सिटी, इसको गोल्डन सिटी भी बोलते हैं बाय द वे। ये पूरा वहाँ पे देख लीजिए रेगिस्तान है, उधर में विंड टर्बाइंस भी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और उधर में देख लीजिए फील्ड है, तो जो है जैसा है यही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। जैसे जैसे लड़के की शादी थी, सो फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बैन लड़की का नाम ऊपर इसी पे, हाँ इसको हटा देंगे आपको, अभी आगे 2018 का भी मिलेगा ऐसे, ये हमारे रिवाज है। दूसरा एक और चीज है, जैसे आप अभी बोलेंगे तो ये ब्राह्मणों का है, तो यहाँ जो जनेऊ पहनाते हैं ना, हाँ उसका भी आपको बाहर नाम मिलेगा सर, जनेऊ के टाइम पे। हाँ ये क्यों पर आप ब्राह्मण हो, राजपूत हो या जैन? हम राजपूत हैं। ओके।